क्लास को शुरू कर लेते हैं। मैथ का प्रैक्टिस सेट है ना बच्चों, प्रैक्टिस सेट है मैथ का। वैसे प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन है, पर देखते हैं हम लोग अभी कितने कर पाते हैं घंटे के अंदर, है ना। जितने हम कर पाएंगे उतनों को हम कवर करेंगे। ये 25 क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मैथ है ना वो लेवल इसी को छूता है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ उसी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे किसी भी पेपर के लिए मैथ सेम होता है, लेकिन यूपी पुलिस का मैथ थोड़ा सा इजी आता है, तो उसके परस्पेक्टिव से देखेंगे तो ये बिल्कुल उसी के लेवल का होगा। तो चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं, और हम कितने क्वेश्चन कर पाएंगे जितनी देर में, 50-60 मिनट में जितने हो जाएंगे उतनों को हम कवर अप करेंगे। पहला क्वेश्चन, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य 80 रुपये है तथा क्रय मूल्य 100 रुपये है। तो बड़ा ही आसान है, क्रय मूल्य को क्या कहा जाता है, CP। 80 रुपये में आपने कोई चीज़ खरीदी है, 100 रुपये में आपने कोई चीज़ खरीदी है, और विक्रय मूल्य कितना है, 80। तो यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, तो पुस्तक पर प्रतिशत लाभ या हानि कितनी, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि क्या हुआ हमें, सर हमें हानि हो रही है। यहाँ पर कितने रुपये की हानि हो रही है, सर साफ साफ दिख रहा है कि 20 रुपये की हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, 20 रुपये की। अब क्योंकि CP 100% है, तो 20 रुपये 20% के बराबर हैं, 20 रुपये 20% के ही बराबर हैं। तो यहाँ पर आपको 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाना होगा, ऑप्शन नंबर C लगाना होगा, क्योंकि 20% की हानि हो रही है। सीधा सवाल था असल में, बहुत ही ज़्यादा बचकाना था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, फटाफट बताइए। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा विचलित करेगा। 1 मिलियन की अनुवर्ती अगली संख्या है। अब कहने के लिए क्वेश्चन बहुत आसान, लेकिन अगर जीरो का पंगा पूरा नहीं आता और आप जीरो की संख्या जीरो को नहीं समझ पाते अच्छे से, तो खेल खत्म है। तो यहां पर क्वेश्चन को करने के लिए समझना बच्चों, पहले तो यह पता होना जरूरी है कि 1 मिलियन में आता कितना है। चलिए मैं एक आपको ऑप्शन देता हूं, पहले यह बताओ 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख। वेरी गुड, कितने लाख, 10 लाख। तो यहां समझेंगे 1 मिलियन, ठीक है ना। अगर मैं 1 मिलियन की बात करूं तो कितने लाख, 10 लाख। 10 लाख में जीरो कितने लगते हैं, 6 जीरो, क्योंकि 1 लाख में 5, तो 10 लाख में 6 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो। अभी बताओ 10 लाख से अगली संख्या क्या होगी, 10 लाख 1। यही तो पूछा है ना, 1 मिलियन की अनुवर्ती, मतलब की अनुवर्ती मतलब अगली संख्या, 1 मिलियन से अगली संख्या क्या होगी, तो 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, और 10 लाख से अगली संख्या क्या बनेगी, 10 लाख 1 रुपया। तो 10 लाख ये हो गया, 1 रुपया और जोड़ दो, तो इसे आप बोलो 1, 2, 3, 4, 5 और 1, ये आएगा। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, सर ऑप्शन नंबर B दिख रहा है। तो ये होगा आपका, ये बनगा पूरा, कन्फर्म है ना। तो 1 मिलियन की अनुवर्ती अगली संख्या क्या होगी, 1 मिलियन 1, मतलब कि 10 लाख 1 रुपया। तो यहाँ से देखेंगे तेजी के साथ, सर फेयर करने की आवश्यकता इसमें कुछ है नहीं, ये डायरेक्ट समझने वाली बात है ना, कि हमें 1 मिलियन का ज्ञान है या 1 मिलियन का ज्ञान नहीं है, ठीक है ना। अगला, एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु, एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो शिक्षक की आयु कितने वर्ष होगी। चलिए देखिए बहुत आसान सवाल है, प्रयास कीजिए करने का, बाकी सब भी प्रयास कीजिए, बहुत ही इजी है। देखो इस प्रकार का सवाल हमेशा इजी बनता है। इन्होंने क्या कहा कि एक कक्षा के 24 छात्र, कितने छात्र हैं, सर छात्र हैं 24, और औसत आयु, देखिए इस शब्द को अच्छे से देखेंगे, औसत आयु मतलब कि औसत आयु मतलब एवरेज एज, एवरेज एज का मतलब है कि एक बच्चे की आयु 10 साल मानी जाए, तो अगर एक बच्चे की 10 साल मानोगे तो 24 बच्चों की आयु 240, मतलब 24 बच्चों की टोटल आयु कितने साल हो गई, सर 240 साल हो गई है। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए, तो देखो अगर शिक्षक को भी शामिल करोगे तो 24 बच्चे थे, अब बच्चे कितने हो जाएंगे टोटल, 25, क्योंकि आपने किसे शामिल कर लिया, शिक्षक को शामिल कर लिया है। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, औसत आयु 10 से कितनी हो जाएगी, 11, तो 25 और 11 का गुणा कितना आएगा, 275। अब देखो ये जो 275 आयु है 11 लोगों की है जिसके अंदर टीचर भी शामिल है, और ये केवल 10 लोगों की है जो केवल स्टूडेंट थे, बात क्लियर है। तो 11 लोगों की आयु में से 10 लोगों की आयु घटा दो, कितना बचेगा, 5, और 7 में से 4 गया 5, 35। इसका मतलब जो वो टीचर है उसकी आयु कितनी है, 35 वर्ष है, उसकी आयु कितनी है,
35 वर्ष है। नेक्स्ट चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बिल्कुल इजी प्रश्न आते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? फटाफट बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी भिन्न बताने, तीन से पांच काटेंगे, ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या, ये सबसे छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि ऊपर बड़ी हो नीचे छोटी हो तो वो संख्या सबसे छोटी तो हो ही नहीं सकती। बचती हैं ये दो, तो आप इनमें डायरेक्ट ये कर सकते हैं 6 चौक 24 और 5 पंजे। अब देखो कौन सा छोटा है, 24 छोटा, तो यही आंसर होगा 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चलिए फटाफट ट्राई करेंगे। एक आयताकार खेत की लंबाई 400 मीटर तथा चौड़ाई 250 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? फटाफट बताएंगे तेजी के साथ। तो बताइए खेत का जो क्षेत्रफल है वह कितना होगा? बड़ा सीधा सीधा सवाल है, क्योंकि हमें खेत का क्षेत्रफल निकालना है, तो किसी भी क्षेत्रफल को निकालना हो और वो आयताकार हो तो क्या नियम लगता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है सर? 400 और चौड़ाई है 250। पहले तो 25 चौके 100, 10 और 20 ये कितना आया? 100,000 वर्ग मीटर। कितना आया? 100,000 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी आप लगाना पसंद करेंगे, क्लियर है? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? श्रेणी 3, 9, 36, 180, 1080 में लुप्त पद क्या होगा? मतलब जो अगला पद आना है वो क्या होगा? फटाफट बताइए अगला पद क्या होगा, अगला पद क्या होगा? तेजी से आंसर देंगे। कितना? 75-60। कैसे आ रहा है? आओ देखो यहां लिखा है 3, 9, 36, 180, 1080 यही है ना? 3 + 9। अब 4 × 36, तो देखो दो में ही समझ में आ गया कि पहले में 3 से गुणा करिए, दूसरे में 4 से, तो अगले में यहाँ 5 से गुणा कर रहे हैं, यहाँ 6 से गुणा कर रहे हैं, तो अब 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो 1080 में 7 से गुणा करोगे तो आएगा 7,560। ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई होगी? बोला सीधा सीधा सीरीज बनाया हुआ है, एकदम बचकाना सीरीज है। अगला क्वेश्चन, सीरीज एकदम बचकाना है, देखेंगे। किसी त्रिभुज के दो कोणों का मान 95 है, तो तीसरे कोण का मान बताइए क्या होगा? बहुत ही सरल सवाल, आंसर बताओ क्या है? बिल्कुल सरल है, एकदम बचकाना। 85। और कोई आंसर? सही है वैसे 85। आओ समझो, पहले ये देखो, कोई भी जो त्रिभुज होता है तीन कोण होते हैं, इसका मान लेते हैं एक्स वाई और जेड नाम दे दिया। तो देखो कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड, इन तीनों को जोड़कर हमेशा 180 डिग्री आता है। कहने का मतलब है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। बात क्लियर है ना? अब इन्होंने बता दिया कि दो कोणों का मान कितना है? 95। तो मैं मानता हूं कि x और y का मान 95 है, प्लस z 180। ये 180 से घटाएंगे इधर जाकर, तो z का वैल्यू कितना जाएगा सर जी? यह जाएगा 85। तो कोण z का वैल्यू कितना जाएगा? 85 डिग्री। बात समझ में आई या नहीं? तो आंसर होगा 85, ऑप्शन नंबर ए, एकदम आसान। अगले पर चलते हैं। 83, फटाफट बताइए क्या आंसर होगा? बहुत ही आसान दे दिया, 3, 4, 9 का सबसे छोटा लघुत्तम समावर्तक मतलब कि एलसीएम क्या होगा? ये तो सवाल करने योग्य नहीं है। तो 3, 4, 9 का एलसीएम निकालना है, और इतना तो आप जानते होंगे कि 3, 4, 9 का जो एलसीएम आएगा वह 36 होगा, तो इसमें कोई पंगे वाली बात है ही नहीं, डायरेक्ट बहुत छोटा सा आंसर है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, ये थोड़ा सा सही है। चलिए फटाफट बताइए क्या आंसर होने वाला है क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 84, तेजी के साथ। क्वेश्चन नंबर 84 5। हाँ गुड आंसर, 5 कीजिए सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 84 सही आंसर लगाइए। आया
देखो लिखा है क्यूब रूट के अंदर 110 प्लस फिर स्क्वायर रूट के अंदर 225। अगर मैं इसे सोल्व करना शुरू करता हूं तो रास्ता कहां से होता है? सबसे पहले स्क्वायर रूट को अंदर से सोल्व करना शुरू करें तो स्क्वायर रूट या फिर रूट 225 किसकी वैल्यू है? तो मैं इसे ये लिख सकता हूं 110 प्लस 15 रूट हट गया। इन दोनों को जोड़ूंगा कितना आएगा 125। तो क्यूब रूट 125। अब ये किसका क्यूब है? 125 सर ये 5 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है? सर ये 5 का क्यूब है क्योंकि 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125 होते हैं। तो सीधा सीधा आंसर है नो इशू। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा सवाल है और ये बहुत आता है, ये बहुत ही बढ़िया मासूम सवाल है, हर एग्जाम में मिल जाएगा। आंसर बताओ, हर दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ये। आंसर दीजिए, तेजी से आंसर दीजिए, बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर a माइनस बी, a का वैल्यू इसे लेंगे और b का वैल्यू इसे लेंगे, तो a माइनस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2। ए का वैल्यू कितना है? ए है और बी का वैल्यू 1 अपॉन ये कट गया आपस में। अब बताओ इसका वैल्यू क्या दे रखा है? इसका वैल्यू दे रखा है 66 माइनस 2, कितना बचा 64। और यहाँ क्या था? ए माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर, इसको हटाएंगे तो क्या आएगा? रूट। और इसके इसकी वैल्यू क्या आएगी? 8। और जब कभी भी आप ये सवाल करेंगे हर बार यही होगा, हर बार क्या होगा? मान लो आप इसकी वैल्यू कुछ भी रख लो, आप समझना, एक बार समझो, मैं इसकी वैल्यू अगर इस समय 83 रख दूं, कितनी रख दूं? 83 रख दूं, तब भी क्या करूंगा? 83 से क्या घटाऊंगा? 2, कितना आएगा? 81, 81 का रूट निकालूंगा कितना आएगा? 9। देखो सेम यहां पर काम करेगा, मैं फिर से देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब a का वैल्यू प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2a और 1 अपॉन a, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? मान लो इस बार 83 लिखा है तो 83 माइनस ये कट गया, a से a बचा कितना? 2। 83 से गया कितना बना? 81। और यहाँ क्या चल रहा था? a माइनस 1 अपॉन a, यही तो वैल्यू पूछी जा रही है। इसका स्क्वायर स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगाओगे, रूट हटा के क्या बनेगा? 9। बात समझ भाई? मान लो यहाँ इस बार एक बार संख्या मिल जाए आपको 38, तब भी क्या करोगे? माइनस 2, 36 बचेगा, स्क्वायर रूट निकालोगे 6 बचेगा। मतलब ये पंगा पूरा मत करना, लेकिन एक बार जरूर कर लेना, पता हो कि आया कैसे है। सवाल रटे तो जाते नहीं, और रटे नहीं जाते हैं तो करना क्या है कि पता हो होगा कैसे, लेकिन ये एग्जाम में इतना करना। अब हो जाएगा, अगर प्लस की वैल्यू होगी तो दूसरे तरीके से होगा, होगा इसी फॉर्मूले से, फिर प्लस वाले से होगा, ठीक है ना? ये वाला टॉपिक करा दें क्लास में चाहो तो, कल ही ये वाला टॉपिक डन करा देता हूँ मैं आपको क्लास में। चलिए फिलहाल सवाल फेयर करें, कल टॉपिक करा देंगे, एक बार इसे जरूर फेयर कर लेना एक बार बस। हाँ कीजिए जरा, चले आगे बच्चों कर दे रहा, आइए देखते हैं आगे सवाल। नेक्स्ट है आपके सामने, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताइए, जिन्हें 6, 2, 7, 4, 3 का केवल एक बार प्रयोग करके बनाया जा सकता है। क्या समझते हैं सवाल से करके देखें, जो भी पता चल रहा हो करके देखें एक बार। देखो ये सवाल डायरेक्ट आपको आपके किसी एक्सरसाइज में नहीं मिलते अक्सर, है ना? तो इसीलिए देखिए जरा और बताइए क्या आंसर लगाएंगे।
बताइए क्या आंसर आना चाहिए इसका। प्रयास करें। तो पहले देखो इन अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ा आसान है, सबसे बड़ी संख्या में सबसे पहले बड़ी संख्या, उसके बाद छोटी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, फिर सबसे छोटी। इससे बड़ी संख्या थोड़ी ना बन जाएगी अब। और सबसे छोटी संख्या अगर आप बनाने लगे तो कैसे बनेगी, बिल्कुल छोटी से बड़े की तरफ लिख दो, दो तीन चार छः सात, बस इन्हें माइनस करना है। इन्हें क्या करना है, माइनस करना है। और माइनस करके आएगा 52965, करके देखो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। तो देखो यहाँ पर खेल क्या होता है, सवाल को समझने का खेल क्या है, सवाल समझ में आ जाए कि यार ये करना है तो वो हो जाएगा, फिर वो आपके लिए टफ नहीं बनेगा। रफ करें। नेक्स्ट यहाँ आपसे पूछ रहा है ए अपॉन बी इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री हो तो थ्री ए प्लस टू बी अपॉन थ्री ए प्लस सिक्स बी का मान क्या होगा। आंसर लाए, आंसर लाए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 87 आपके सामने है, आंसर लाइए कीजिए तेजी से। हाँ बिल्कुल सही है, वन अपॉन टू। देखो इसका मतलब क्या होता है कि ए का वैल्यू दो है और बी का वैल्यू तीन है, बस सवाल हो जाएगा, सवाल बड़े आराम से हो जाएगा। जहां ए दिख रहा है वहां दो रख दो, जहां बी दिख रहा है वहां तीन रख दो, रख के देखते हैं ये। तो तीन गुणा दो प्लस दो गुणा तीन अपॉन तीन गुणा दो प्लस छः गुणा तीन, तीन दुनी छः प्लस तीन दुनी छः, तीन दुनी छः प्लस छः तिया अठारह, ऊपर आया कितना बारह और नीचे कितना हो गया अठारह और छः, बारह कितना बारह, बारह दुनी तो एक बटे दो, बड़े आराम से आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहा है। एकदम क्लियर है ना। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट कीजिए 88। अक्सर ऐसे सवाल बच्चे गलत कर देते हैं, याद रखना सही से करना, प्रयास करेंगे सही से करें, अक्सर गलत हो जाते हैं सवाल, ये कीजिए कोशिश। फटाफट कीजिए। हाँ वो डिवाइड का साइन है ये, तो बताइए क्या आंसर बना रहे हैं आप लोग। बी 70/99 से आंसर है, वैसे 70/99। अब कर लेते हैं ये, देखो जहां भी भाग का निशान देखे उसे क्या कर लो, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लो और संख्याओं को पलट लो। तो क्या बनेगा, 7 × 14 3 × 9 गुणा 5/3। देखो भाग के निशान को गुणा में बनाया, संख्याओं को पलट दिया, कन्फर्म है ये क्या हो जाएगा, 3 × 3 और 2 5। क्या यहाँ पर कुछ सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा, चलिए इसे करते हैं, 2 + 3 × 3 और 2 5/3। अब सॉल्व कर लो, 3 × 6 6 और 5, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 11/3। तो सही डायरेक्ट 11/3 लिख दें, समझ पाओगे। तो एग्जाम में भी तेज करना होगा। अब बताइए क्या करना है, क्या इनकी गुणा करना उचित है या करिए, इसे डायरेक्ट ऊपर ले जाओ आप, बात समझ रहे हो ना। ऐसे समय पर जब आपको मालूम है चीजें कुछ कटनी है तो वो कट जाएंगी, जो बचनी है वो बच जाएंगे, तो शुरू में काटे ना। अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा बताइए, अगर मैं संख्या को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगी, 3/11। वेरी गुड, अब कर लो जो कर सकते हो, 3 से 3 कट गया, 11 निम और 14 × 5 = 70। बड़े आराम से आप इस सवाल को क्रियान्वित कर सकते हैं। अब बच्चा गड़बड़ क्या कर देता है, शुरू में ही गुणा कर लेगा इनकी, 14 × 5 = 70, 3 × 9 = 27, फिर 3 से काटेगा, फिर वापस उल्टा, तो वहां समस्या पैदा हो जाती है। क्लियर है, नेक्स्ट चले कीजिए। एक नगर की जनसंख्या 150,000 है, जिसमें
40% पुरुष 30% स्त्रियां हैं तथा शेष बच्चे हैं। तो बच्चों की संख्या बताइए, बहुत आसान सवाल, एकदम गरीब, जबकि हो गया ये तो। हाँ बिल्कुल सही है, देखो समझो, टोटल संख्या 150,000 है, 40% तो हो गए पुरुष, 30% हो गए स्त्रियां, तो बच्चे कितने बचे? देखो 40% ये, 30% ये, 70% तो बड़े बड़े लोग हो गए, और 100% टोटल चीज होती है, तो कितना बचा? 30%। तो 30% निकाल दो डायरेक्ट, बाकी पंगे में पढ़ना ही नहीं है आपने, दो जीरो से दो जीरो, 15 + 3 = 45, एक जीरो ये और दो जीरो ये और एक जीरो ये वाला, कितना आया? 45,000। तो इसमें से बच्चे कितने हैं सर? 45,000। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही बनेगा। नेक्स्ट, बड़ा आसान सवाल है। 90, यही ना होते हैं बच्चों से ना, थोड़ा सा खैर बढ़ेगा लेवल, ऐसा नहीं है, मैं भी बढ़ाऊंगा क्लास में, फटाफट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 90, वैसे 90 पर वैसे 15 बार, क्योंकि 76 से कहानी शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर, वेरी गुड, सही आंसर है 1। जो कई बार बच्चे ने घटाने में जोड़ने में गलतियां कर देता है एग्जाम के अंदर, पहले जुड़ता है फिर घटता है कायदे में, तो पहले इन दोनों को जोड़ो, पहले इन दोनों को जोड़ो। देखो 4 और 3 = 7 पॉइंट, 4 और 3 = 7, 0 से 0, 2 और 2 = 4, ये घटाना है तो 6.704 घटाना है, ये तो पूरा कट गया, 6 में से 7 में से 6 गया, 1 बचा। ऑप्शन नंबर बी, नहीं बेटा पहले जुड़ता है बोर्ड मास में, घटाने का तो प्रक्रिया सबसे अंतिम प्रक्रिया मानी जाती है। नेक्स्ट, 7 से ही 1/5% को भिन्न में बदलिए, 7 से ही 1/5% को भिन्न में बदलिए, फटाफट भिन्न में बदलें, इसे कैसे बदलेंगे और क्या आएगा आंसर आपका, कीजिए। सही है, तो बदलते हैं, पहले तो इसे नॉर्मल फ्रैक्शन में लाओ, 5 × 7 = 35 और 1 तो 36/5% है। प्रतिशत के लिए क्या कर सकते हो आप? प्रतिशत हटा दो, 100 बढ़ा दो, यही होता है ना। अब इसे जो कट कर सकते हो वो कर दो, 4 में 36 और 4 से काटेंगे तो 25, ऊपर बचा 9 और 25 = 125 है कहीं क्या? ये रहा ऑप्शन नंबर ए, इजी था। नेक्स्ट चलते, एक विद्यार्थी ने 7236 को 56 के बदले 65 से गुणा कर दिया, एक विद्यार्थी ने 7236 को 56 के बदले 65 से गुणा कर दिया, तो उसका उत्तर असल उत्तर से कितना भिन्न है? सिंपल सी बात है, करो, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये भी। आंसर तो ये क्या आएगा? 65 + 124 सही आंसर है। देखो एक विद्यार्थी को एक संख्या दी गई, उसे संख्या दी गई 7236, उससे कहा गया था कि भैया इसे गुणा करो, किससे? 56 से गुणा करो, तो वो भूल गया, 56 की जगह उसने किससे गुणा कर दिया? 65 से, तो आंसर तो अलग आएगा ना, तो आप दोनों से गुणा करो और घटा दो। आप एक बार 56 से गुणा करके देखो क्या आंसर आ रहा है, और एक बार 65 से गुणा करो, जो भी आंसर आएगा आपस में माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखो लो, एक बार 7236 की गुणा 56 से करो, जिससे उसे ओरिजिनल करना था, ठीक है, और उसने गलती से क्या करा? 65 से गुणा कर दी है, तो एक बार 65 से गुणा कर दो, और जो 65 से गुणा करके है उसमें से इसे घटा दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 65 + 64। इजी है, बात समझ में आ रही है ना, क्या करना है? बस ये करो फॉलो, फटाफट आंसर आएगा, कैलकुलेशन खुद कर लो, गुणा तो कर ही लोगे। चलें आगे, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 196/7 × 900/x = 4 है, तो
क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा या एक्स की जगह क्या आएगा, बताइए फटाफट, कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 93, इजी सवाल एकदम, बहुत आसान। करें तेज, नहीं सी नहीं आएगा, सी नहीं आना चाहिए बेटा, आंसर आना चाहिए ए 1575। चेक करो फटाफट, देखो ये किसका स्क्वायर है 196, बताइए जरा, 14 का, तो इसे मैं ये लिख सकता हूँ ना 14/√7 इंटू ये किसका होगा 30 का, यहाँ x मान लेता हूँ बराबर 4, कोई समस्या? अगर मैं इन दोनों को गुणा करता हूँ तो क्या आएगा 7x, कर लेता हूँ ऊपर बचेगा 14/30/√7x बराबर 4, कुछ कट हो रहा है तो कट कर दो, दो दो नहीं 4, दो से काटेंगे तो 15 और 2 7 14, 15 7 105, तो 105 बटे 7x बराबर 1। यही करना है, तो इसे क्या लिख सकते हैं इनडायरेक्टली, अब आप √7x बराबर 105, अगर मैं यहाँ से रूट हटाता हूँ तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो इसे लिख सकता हूँ 105 × 105, तो x बराबर 105 × 105/7, 7 से कट जाएगा बिल्कुल, 7 × 7 बचा 3, 7 × 5 = 15, तो 15 और 105 की गुणा करिए आप, 15/75 आपको आंसर मिलेगा, क्लियर है ना? तो आप इसे इस तरह से कर सकते हैं बड़े आराम से, चलें आगे, आंसर आएगा 15/75 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 95/114 का सरलतम रूप क्या होगा, सरलतम रूप समझ रहे हो, इसे किसी संख्या से कट करो, जहां तक कट कर सकते हो गुरु भिन्न के रूप में आंसर देना होगा, बताइए किससे कट करना पड़ेगा और कैसे करोगे, सवाल को एग्जाम में आया तो आंसर दो। देखने में छोटा समय ले जाता सवाल, आ रहा है कुछ माइंड में? देखो ये सवाल वाकई में देखने में छोटा लगता है, लेकिन जब इसे हम एग्जाम में देखेंगे तो हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिससे दोनों कटे, और आप यहीं पर एक चीज भूल जाएंगे, HCF, अगर इन दोनों संख्याओं का HCF निकाल लें तो वह HCF दोनों संख्याओं को कट करेगा, तो 95 से 114 को भाग करो, किस लिए? HCF निकालने के लिए, कितनी बार जा रहा है? एक बार, कितना बच रहा है? 19 से 95 को भाग करो तो 19×5 = 95, पूरा कट गया, इसका मतलब इनका जो HCF आएगा वो कितना आएगा? 19, इसका मतलब दोनों संख्या 19 से कट सकती है, तो बस हमने ये पता करा है कि किससे कट सकती हैं, तो वो 19 है, 19 से कट जाएंगे तो 19 सब काट लो, 19×5 = 95 और 19 × 114 आंसर 5/6, बात समझ गए ना? कभी भी ऐसे भिन्न हो और वो आपसे कहे सरलतम रूप बताओ तो वो भिन्न आसानी से तो देगा नहीं ना, आपको ये नहीं पता चलेगा कटेगी किससे, तो आप क्या करें तुरंत उन दोनों डिजिट का HCF निकालें, HCF कुछ भी आएगा उससे वो दोनों संख्या जरूर कटेंगी, बात समझ गए ना? तो हमने वही करा, HCF निकाला, 19 आया, 19 से दोनों कटेंगे, 19×95 = 19 × 114। सवाल बहुत आसानी से आप लोग एग्जाम में भी इसी तरह से करेंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
लिखा है, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 14 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 14 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। कि जी ये बड़ा इजी सा सवाल मिल गया, अब तो एकदम इजी है। करें जरा, आओ पाई आर स्क्वायर होता बेटा, क्या होगा पाई आर स्क्वायर। आओ देखो क्षेत्रफल पूछा है तो जो वृत्त का एरिया होता है ना उसका फॉर्मूला ही जरूरी है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 और त्रिज्या कितनी दे रखी है, आर की वैल्यू कितनी है 14, कितनी है 14। तो 14 का स्क्वायर मतलब ये 7 × 14 22 × 44 44 × 14 तो 4 × 16 616 आंसर बनेगा, 616 वर्ग मीटर। बस समझ भाई, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। बताइए एक्स का वैल्यू क्या होगा। ये तो बड़ा आसान है, देखो जब भी इस प्रकार सवाल मिलेगा तो ये बाहर बाहर वालों की गुणा होती है, अंदर अंदर वालों की। मैं बाहर बाहर वालों की गुणा करूंगा तो एक्स गुणा 4 से करूंगा कितना आएगा 4x, इनकी गुणा करूंगा तो क्या आएगा 8 × 7, 4 से काट दो 4 × 2 और 7 × 2 = 14। तो यहाँ तो सवाल में कुछ दम था ही नहीं, बात समझे ना। बाहर बाहर वालों की गुणा हो जाती है और अंदर अंदर वालों की गुणा हो जाती है, ठीक है विवेक। और आगे हम सवाल को कर ही रहे हैं, क्लियर है पुलकित। अगला सवाल, मूल्यांकन करें बहुत ही अच्छा होता है और ये गलती करवा देता है। ये अच्छा कैटेगरी का सवाल होता है, गलती करा देता है। मैं आपके बस एक छोटी सी हेल्प इसमें करूंगा, ये पता चल जाए। चलिए यही मैं बता रही प्रयास कर रहा हूँ। ये जो है आपका प्लस का साइन है, ठीक है ना, ये प्लस है, ये इनटू है, ये भाग है, ये प्लस माइनस डिवाइड माइनस प्लस और इनटू। अब सही है ना, सवाल कीजिए, गलती की कोई गुंजाइश नहीं रखना, गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, सवाल सही करेंगे तेजी से। हाँ सही है, कितना आंसर बनेगा 101 बनेगा। तो आप कोशिश करते हैं, बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले भाग करें तो 5 × 45 और कहीं हो रही है भाग, हाँ सर 3 × 6 बात क्लियर है। उसके बाद बोर्ड मास आपको बताता है कि आप गुणा करें, गुणा हो रही है कहीं 7 × 21 और कहीं हो रही है गुणा नहीं। अब देखो क्या क्या बचा, सर ये आया 21, प्लस का साइन है प्लस, ये 4 जिंदाबाद है ऐसी रहेगा, माइनस का साइन ऐसी रहेगा 2, ये माइनस ऐसी रहेगा 7, प्लस है प्लस आएगा, इनकी जगह क्या आ गया 9, यहाँ क्या था अच्छा मल्टीप्लाई रह गया, चलिए इनटू, चलिए 4 × 36 हो जाएगा, ऐसे लिख लो बात एक ही है, प्लस 49। तो आपने देखा आपने भाग और गुणा यहीं पर ही कर दिया, अब क्या बचा प्लस और माइनस, तो 21 और 4 = 25, चलिए एक बार लिख देता हूँ 25, 7 और 2 माइनस का 9, 36 और 49 9 और 6 = 5, कैरी 1 = 85 कन्फर्म है। अब 25 और 85 5 = 90 110 माइनस 9 अर्थात 101 ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। आगे चले, चीनी का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम है,
यदि मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो नया मूल्य क्या होगा? सही है, नया मूल्य क्या होगा? लग रहा चीनी बहुत खरीदी है तुमने पुलकित। चलिए, है ना, ये बड़ा आसान सा सवाल है। कितना आंसर आएगा? 66। देखिए चीनी का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम है, कितना है 60। 10 रुपये बढ़ गया, 10% बढ़ गया मतलब, तो कितना हो जाएगा 110%। 0 से 0, 0 से 0, 11 छिंग 66 रुपये के जी नया भाव आ गया उसका, ठीक है ना। 40 चल रहा है इसमें। चलिए 40 है, काफ़ी सही है, महंगा है ना। पाकिस्तान में 400। ओह माय गॉड, 400। तो बस यहाँ से तुम 40 रुपये किलो चीनी खरीदो और चले जाओ। चलो फटाफट बताओ, अगर तुमने चीनी 40 रुपये खरीदी, 400 को बेची, तो कितने गुना का मुनाफा होगा? है कोई हिसाब? फिलहाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, बड़ा आसान है। क्या करना है? 5/18 से गुणा करना है, वो आप कर देंगे, वो तो आप कर ही देंगे गुणा। 20 मीटर जाएगा, 18 से कितनी बार जाएगा? 4 और 5 चौक 20 है कहीं? हाँ है। चलो बताओ सवाल, अगर चीनी आपने 40 रुपये को खरीदी और बेची 400 रुपये किलो, तो कितने गुने का फायदा हुआ? मैं गुने में बात कर रहा हूँ, पूरे 100 गुने का फायदा है। तो बस चले जाओ पाकिस्तान चीनी बेचने। ये क्या बेच रहे हो? चीनी बम लाओ हमें तुम। आओ आखिरी प्रश्न है, दिए गए समकोण ABC में कोण C का मान बताइए क्या होगा? कोण C का मान बताइए क्या होगा? बहुत सरल, सस्ता और गरीब क्वेश्चन है। देखो बड़े आराम से, ये तो 30 दे रखा है, इस साइन का मतलब क्या होता है? 90। और मैंने आपको सवाल शुरू में बताया था कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो 180 में से 90+30 घटा दो, 90+30 कितना होता है? 120। तो 180 से 120 घटा दो, कितना आया? 60। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके पास 25 क्वेश्चन जो हमने किए हैं, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे अभी, है ना, बिल्कुल अच्छे से नॉर्मल क्वेश्चन थे, आगे चल के टफ भी आ जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। चलिए इसे रोकते हैं, अगली क्लास पर चलते हैं।